प्रीवियस लेक्चर में क्योंकि हम प्रिस्क्रिप्शन स्टडी करें तो आज हम उसी को कंटिन्यू रखते हुए प्रिस्क्रिप्शन इट्स पार्ट्स एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग को स्टडी करेंगे। जैसे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, प्रिस्क्रिप्शन क्या है। प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड फिजिशियन, अ डेंटिस्ट और वेटरनरी एंड सर्जन और एनी अदर पर्सन लाइसेंस्ड बाय लॉ टू प्रिस्क्राइब ड्रग्स कंटेनिंग instructions for preparation and dispensing to a pharmacist along with mode of administration for a patient prescription and ek aisa written order hai jo koi bhi doctor dentist veterinarian and surgeon ya phir koi aisa person jo ke according to law aapke mulk ke law ke mutabik ye right rakhta ho ki wo prescribe kar sake medicine लिख के देता है एक ऑर्डर और उसके अंदर मौजूद होती हैं इंस्ट्रक्शंस, मीन्स हिदायत होती हैं डिस्पेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मासिस्ट को कि किस तरह आपने कौन सी चीज़ किस तरह प्रिपरेशन और कौन सी चीज़ को किस तरह डिस्पेंस करना। इसके अलावा मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पेशेंट को किस मोड के थ्रू दिया जाएगा, मुख्तलिफ किस्म इंस्ट्रक्शन होती है पेशेंट के लिए भी एंड फार्मासिस्ट के लिए भी। तो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अ प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन बाय अ क्वालिफाइड प्रिस्क्राइबर बाय अ फार्मासिस्ट फॉर सप्लाई ऑफ ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, एक हिदायतनामा होता है, रिटन फॉर्म में हिदायतनामा होता है जो कि क्वालिफाइड प्रिस्क्राइबर फार्मासिस्ट को देता है कि वो किस तरह डिस्पेंस करेगा मेडिसन्स को। अब डिफरेंट पोर्शन है लेकिन क्या क्या चीज़ें होती हैं एक प्रिस्क्रिप्शन में। प्रिस्क्रिप्शन में डिटेल होती है पेशेंट की, डायरेक्शंस होती हैं फॉर फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस द मेडिकेशन, डायरेक्शंस फॉर द पेशेंट्स रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। पेशेंट की डिटेल होगी, उसका नेम, जेंडर, डेट, एड्रेस, ये सब कुछ मौजूद होगा। इसके अलावा डायरेक्शंस फॉर द फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस द मेडिसन। अमूमन प्रिस्क्रिप्शन दो तरह की होती हैं, एक कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन होती है एंड जिसके हम अमूमन प्री कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग के लिए होती है और या फिर एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस के लिए प्रिस्क्रिप्शन होती है। एक्सटेम्पोरेनियस में क्या होता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि आपने अगर कोई चीज़ आपको उसी वक्त बना के देनी है उसके बारे में डिटेल लिखी हुई होती है, इसलिए कहते हैं प्रिपेयर फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस। डिस्पेंस मीन इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन जैसे आजकल आप हम रूटीन में कम्युनिटी फार्मेसीज पर देखते भी हैं कि जो रेडी टू यूज्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हमारी कम्युनिटी फार्मेसीज पर हैं बस उन्हीं का नाम लिखा होता है, लाइक अमोक्सिलिन टैबलेट या ब्रोफिन सिरप। तो प्रिपेयर्ड जो पहले से प्रिपेयर्ड है वो उसका नाम लिखा होता है, जस्ट वो आपको लेके आता है कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर प्रिस्क्रिप्शन, आपको जस्ट डिस्पेंस करनी होती है। लेकिन कुछ इस तरह का भी नुस्खा होता है जिसके अंदर आपको उसी वक्त चीज़ बनानी पड़ती है, जैसे एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन हमने स्टडी किया था। तो इस सूरत हाल में उसमें पूरी डिटेल लिखी होती है कि आप उसके अंदर कौन सा व्हीकल यूज़ करोगे, कौन सा सब्सटेंस यूज़ करोगे, कौन सा एक्सपिएंट्स यूज़ करोगे, तो उसकी डिटेल भी इसमें मौजूद होती है। तो डायरेक्शन फॉर द पेशेंट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स पॉइंट में ये जाहिर होता है कि पेशेंट को भी हिदायत दी जाती हैं उसी प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट के लिए भी हिदायत लिखी होती है, लेकिन फार्मासिस्ट का ये काम होता है कि वो पेशेंट को समझाए कि क्या हिदायत इसके अंदर लिखी हुई हैं, पेशेंट को ईजी करके समझाए कि अगर समझ में नहीं आए हैं उसे बताए कि ये पानी के साथ आपने लेनी है, ये खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, जो भी हिदायत पेशेंट के लिए लिखी हुई है वो भी उसको समझाए। तो डिफरेंट पार्ट्स हैं प्रिस्क्रिप्शन के, अगर हम देखें तो पार्ट्स के एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन हैव द फ्लोइंग पार्ट्स, डेट होती है, पेशेंट नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, ये अमूमन लिखा हुआ होता है पेशेंट के ऊपर, पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। सुपरस्क्रिप्शन जैसे मैंने बताया था, सुपरस्क्रिप्शन का पोर्शन जहाँ पे RX लिखा होता है इसको हम सुपरस्क्रिप्शन का पोर्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन में इंस्क्रिप्शन के अंदर इंस्क्रिप्शन का पोर्शन जहाँ पर मेन बॉडी जो कहलाती है प्रिस्क्रिप्शन की, जहाँ पर मेडिसन्स के नाम लिखे हुए होते हैं, मेडिसन्स के नाम लिखे होते हैं, डोज लिखी होती है, वो इंस्क्रिप्शन हो जाएगी। फिर आ जाता है सबस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन के पोर्शन के अंदर पेशेंट फार्मासिस्ट के लिए फिजिशियन हिदायत लिख के दे रहा होता है। प्रिस्क्राइबर्स नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर भी अमूमन लिखा होता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, सिग्नेचर भी होते हैं, सिग्नेचर जहाँ पे जो है ना सिग्नेचर मौजूद होंगे वह सिग्नेचर पोर्शन कहला रहा होता है। ये तमाम बेसिक पोर्शन हैं किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के।
इसके अलावा डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं, हर प्रिस्क्राइबर अपने हिसाब से अरेंज कर रहा होता है। बास राइट साइड पे डेट लिखी होती है, बास ने लेफ्ट साइड पे डेट लिखी होती है, बास ने बॉटम के ऊपर पेशेंट के डिटेल लिखते हैं। अमूमन मोस्ट आइडियल ये है कि टॉप के ऊपर लिखी जाती है, सबसे ऊपर डेट, पेशेंट नेम, एज, जेंडर एंड एड्रेस लिखा जाता है। मोस्ट आइडियल प्रिस्क्रिप्शन में ये होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस आती रहती हैं टाइम के हिसाब से इसके अंदर। लेकिन आइडियल प्रिस्क्रिप्शन में अमूमन होता है, आइडियल प्रिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो सबसे पहले डेट लिखी होती है, फिर उसके बाद नेम, एज, जेंडर, एड्रेस ऑफ पेशेंट लिखा होता है, फिर सुपरस्क्रिप्शन का पोर्शन आ जाता है, आरएक्स लिखा होता है, उसके नीचे इंस्क्रिप्शन होता है, उसमें जो बेसिक बॉडी कहलाती है प्रिस्क्रिप्शन की, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की, उसके अंदर जो डिस्पेंस करनी होती हैं चीज़ें या प्रिस्क्राइब की गई चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, लाइक कोई टैबलेट अगर दी है, मोक्सोलिन या आइबोप्रोफिन, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है वो लिखी होती है, उसकी डोज लिखी होती है। सबस्क्रिप्शन के अंदर पोर्शन में इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट्स मौजूद होती हैं, जबकि फिर उसके बाद अमूमन सिग्नेचर वाला पोर्शन आ जाता है, या प्रिस्क्राइबर का नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर और सिग्नेचर वगैरह का पोर्शन आ जाता है। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन में। हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन में अगर हम देखें, हम किस तरह हैंडल करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन तो डॉक्टर ने लिख दी, ये तो डॉक्टर का काम था कि प्रिस्क्रिप्शन उसने लिखी है, फिजिशियन ने या कोई भी रजिस्टर्ड जो प्रिस्क्राइब कर सकता हो मेडिसिन उसने लिख के दे दी है। लेकिन अब वो प्रिस्क्रिप्शन हैंडल कैसे की जाएगी, हम उसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। और यहीं पर एक फार्मासिस्ट का या एक डिस्पेंसर का और फार्मासिस्ट टेक्नीशियन का काम शुरू होता है कि वो कितना अप्रोप्रिएटली प्रिस्क्रिप्शन का हैंडल करता है। जितना अच्छा वो हैंडल करेगा वो उतना ही रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन की चेन में शामिल हो जाएगा। अ प्रिस्क्रिप्शन इज़ डायरेक्ट लिंक बिटवीन फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट। अमूमन प्रिस्क्रिप्शन जो है एक डायरेक्ट लिंक होता है किसी भी फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट के दरमियान में। प्रिस्क्रिप्शन इज़ अकम्पाइंड बाय द डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट एंड फॉर पेशेंट। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल बनता है, डॉक्टर ने लिखा, ठीक है, फार्मासिस्ट ने उसके ऊपर अमल किया और वो मेडिसिन डिस्पेंस की या प्रिपेयर्ड की, उसके बाद पेशेंट ने उसको इस्तेमाल किया, तो ये ट्राइंगल बनता है पूरा प्रिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रिस्क्रिप्शन में डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं फार्मासिस्ट के लिए भी एंड पेशेंट के लिए भी। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की तरफ जब हम आते हैं तो हम रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन एज अ साइलेंट कम इनटू अ फार्मेसी। अब सबसे पहले रिसीव की जाती है प्रिस्क्रिप्शन, जैसे ही पेशेंट आएगा फार्मेसी में उसके पास एक प्रिस्क्रिप्शन मौजूद होगी, वरना आजकल जो है ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शंस भी डिलीवर कर दी जाती हैं डॉक्टर से, डायरेक्ट फार्मेसी में डिलीवर कर दी जाती हैं अमूमन, या एमरजेंसी की सिचुएशन में बाय फ़ोन भी डिलीवर की जाती हैं, या डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज मौजूद हैं आजकल, टेलीफार्मेसी का भी, यानी कि अमूमन ये मोबाइल फार्मेसीज भी यूज़ की जा रही हैं, तो उसके हिसाब से वेरिएशन आती रहती हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे ही पेशेंट रिटर्न ऑर्डर लेके आएगा डॉक्टर की तरफ से, तो उस सबसे पहला अमल होता है रिसीव करना, कोई भी फार्मासिस्ट उसको रिसीव करेगा पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन को। तो रिसीविंग के अमल में हमें क्या देखना होता है, रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन एज अ साइलेंट कम्स इनटू द फार्मेसी, दे मस्ट बी मेड फील अटेंडेंस टू एन अनकम्फर्टेबल बाय फ्रेंडली गेस्चर, अ स्माइल, आई टू आई कॉन्टैक्ट, अ फ्रेंडली वेलकम। जैसे ही फार्मासिस्ट के पास एक पेशेंट आता है, फार्मेसी में इंटर होता है, तो सबसे पहले आपको उसको अटेंशन देनी है, फार्मासिस्ट को पेशेंट का अटेंशन देनी है। किस तरह देंगे, फ्रेंडली गेस्चर होना चाहिए, आपका फेस एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, स्माइली फेस होगा, आप आई टू आई कॉन्टैक्ट करेंगे उसे, फ्रेंडली वेलकम करेंगे, देन वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन देगा, ना सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन देगा बल्कि वो उसके बारे में सही तरीके से बता भी सकेगा कि उसे क्या जानना है, उसे क्या लेना है, उसे क्या चीज़ चाहिए, तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा उस एनवायरनमेंट के अंदर, ईजीली आपका कॉन्टैक्ट उस पेशेंट से बन जाएगा। ठीक है, किस तरह बनेगा, आप स्माइल दें उसे, आई टू आई कॉन्टैक्ट करें, फ्रेंडली वेलकम करें, कर्टिसी एंड फीलिंग ऑफ केयर, एक हमदर्दाना आप उससे रवैया तैयार करें। कम्युनिकेशन शुड बी इनिशिएट इन सच अ मैनर डेट द इनकरेज द साइलेंट टू कन्वे हर नीड्स एंड प्रोड्यूसिंग अ प्रिस्क्रिप्शन बाय आस्किंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एंड डिवाइसेस। फिर उसके बाद जब आप ये तमाम चीज़ें करेंगे तो वो आपसे इजीली बात कर सकेगा, कम्युनिकेट कर सकेगा, जिसके ज़रिए ना सिर्फ वो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में मालूमात सही तरीके से ले लेगा, अगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर ने कुछ हिदायत दी थी उसे समझ में नहीं आई, तो आप उसे इजीली समझा सकते हो वो तमाम चीज़ें जो इंस्ट्रक्शंस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी हुई हैं। बल्कि अगर उसे कोई और चीज़ की भी ज़रूरत है,
रिलेटेड अदर प्रोडक्ट या डिवाइस भी उसे चाहिए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, देन वो भी आपको इजीली उसके बारे में बताएगा कि मुझे ये जरूरत है, या फिर अगर कोई ऐसे पॉइंट जो कि वो डॉक्टर को नहीं बता पाया सही तरीके से वो आपसे शेयर कर देगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आप किस तरह हैंडल करते हो पेशेंट को। पेशेंट को हैंडल करने के बाद आप उस रिसीविंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और देन उससे आगे का प्रोसेस आप तय करोगे। हैंडलिंग फीलिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंप्राइज ऑफ अ फ्लोइंग स्टेप्स। रिसीविंग सबसे पहले जैसे मैंने कहा रिसीव करेंगे आप, रीडिंग चेकिंग एंड रिकॉर्डिंग द प्रिस्क्रिप्शन, ये स्टेप्स हैं जो आप इनिशियली करते हैं। रिसीविंग में जैसे ही पेशेंट आया आपने उसे वेलकम किया अच्छे स्टाइल के अंदर, प्रॉपर वे के अंदर, ताकि आप उसे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। रिसीव करने के बाद आपने प्रॉपर तरीके से उसे रीड करना है, फिर चेक करना है एंड रिकॉर्ड करना है प्रिस्क्रिप्शन का। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, डोजेज कैलकुलेशन, देखना है कि उसके अंदर जो डोज लिखी है वो अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू उसकी एज, जेंडर एंड डिजीज सीवियरिटी। फिर हम देखते हैं कंपाउंडिंग, अगर कंपाउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर अगर ऐसी है जो इसमें एक्सट्रेम्पोरेनियस प्रिपरेशन के बारे में लिखा हुआ है, आप हॉस्पिटल फार्मेसी में मौजूद हैं, किसी डिस्पेंसरी में मौजूद हैं, वहाँ पर वो आप प्रिस्क्रिप्शन आई और आपने कुछ उसी वक्त बना के देना है, कोई सीरप बना के देना है या कोई जो है पाउडर फॉर्म के अंदर है और आपको उसे लिक्विड डिजोल्व करके उसी वक्त डिस्पेंस करना है, तो वो कंपाउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे। पैकिंग, लेबलिंग, रीचेकिंग, फिलिंग, रिकॉर्डिंग एंड प्राइसिंग डिलीवरिंग, ये तमाम वो स्टेप्स हैं जिनसे गुजरकर एक फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करने के बाद उनसे गुजर के डिस्पेंस करता है मेडिसिन। अगर हम ये देखें रिसीविंग, हैंडलिंग, चेकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, अगर हम देखें तो रिसीविंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट शुड himself receive the prescription, it includes reading the prescription and checking the prescription। सबसे पहले वो रीड करेगा, रीड में क्या करेगा वो prescription should be completely and carefully read from top to bottom, top to bottom read करना है आपने पूरा एक बार completely पढ़ लोगे आप। फिर उसके बाद क्या करोगे, checking the prescription, prescription should be checked for एनी इनकम्पेटबिलिटी, हमने इनकम्पेटबिलिटी के बारे में इसीलिए स्टडी किया था कि ऐसा तो नहीं है कोई दो मेडिसन ऐसी लिखी हुई हैं जो एक दूसरे के साथ इनकम्पेटिबल हैं, या कोई ऐसी मेडिसिन लिखी हुई है कि पेशेंट ने आपको बताया मुझे तो इससे एलर्जी है और वो डॉक्टर को नहीं बता पाया और आपको बताया, तो देन आप वो भी चेक करोगे कि ऐसा तो नहीं कि कोई इस तरह की दवाई लिखी हुई है जो या तो मेडिसिन दूसरी मेडिसिन से इनकम्पेटिबल है या पेशेंट की डिजीज़ की सेवेरिटी के हिसाब से इनकम्पेटिबल है। ये तमाम चीज़ें आपने चेक करनी है। फिर डोजेज कैलकुलेशन, डोजेज कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखना है कि डोज जो एज उस पर लिखी हुई है उसके हिसाब से है, जो अगर जेंडर है या फिर अकॉर्डिंग टू डिजीज सीवियरिटी के हिसाब से है, अपने डोज को चेक द डोज एंड प्रॉपरली मेंशन प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर एंड डिजीज सीवियरिटी। और डोज को हमने कैलकुलेट करने के, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने फार्मूलाज पढ़े थे कि अगर हमने चाइल्ड के लिए डोज लेनी है तो अडल्ट की निस्बत हम किस तरह उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये तमाम पैरामीटर हमने ड्यूरिंग हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन देखने हैं। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग के प्रोसेस में क्या करना होता है, आफ्टर द रीडिंग एंड चेकिंग फार्मासिस्ट शुड बी फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ कंपाउंडिंग, उस पर अगर कंपाउंडिंग का कोई प्रोसीजर लिखा है आपने प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसे फॉलो करना है। द इंग्रीडियंट्स आर कंपाउंडिंग बाय एक्यूरेट वेइंग एंड व्हेन द कंटेंट्स आर रिमूव्ड बाय द वेइंग मेजर्स व्हेन कंटेनर इज रिटर्न बैक टू इट्स प्रॉपर प्लेस, क्या करना है जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं सबसे पहले आपने उनको अरेंज करना है, लेना है, उसके बाद उनको वे करना है, जो भी उसमें वे लिखा हुआ है कितने वेट में हमने लेना है अमाउंट को, फिर लेने के बाद जहाँ से जो चीज़ ली है आपने उसे प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देनी है। एंड ईच मेजर्स मस्ट बी वॉश्ड आफ्टर फिलिंग ईच प्रिस्क्रिप्शन, जो भी अगर आपने यूज़ किया है कोई चीज़ को मापने के लिए लाइक बीकर या फिर कोई भी मेइंग स्केल आपने इस्तेमाल किया है उसे आपने फ़ौरन से साफ़ करके रख देना है, एंड ताकि आप दूसरी प्रिस्क्रिप्शन के लिए उसको रेडी पाएँ जब दूसरी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है। इसके अलावा करना क्या है आपने, व्हेन कंटेनर इज़ रिटर्न टू बैग इट इज़ प्रॉपर प्लेस करना है, ऑलवेज़ यूज सेम इंग्रेडिएंट विच आर रिटर्न ऑन प्रिस्क्रिप्शन, जो भी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा हुआ है आप वो इंग्रेडिएंट उसके अंदर इस्तेमाल करोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है फिनिशिंग द प्रिस्क्रिप्शन, फिनिशिंग द प्रिस्क्रिप्शन मीन्स पैकिंग, लेबलिंग, रीचेकिंग एंड फिलिंग, ये तमाम चीज़ें आपने करनी है। अगर कंपाउंडिंग एक्सट्रेम्पोरेनियस प्रिपरेशन वाली प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आ गई, अगर रेडी टू यूज़ वाली मीन्स प्री कंपाउंडिंग वाली आई है, देन तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगा
पहले से ही प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट होगा, फार्मास्यूटिकल प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट होगा, मेडिसिन होगी, कोई भी सिरप या टैबलेट, वो आप एज इट इज़ जो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी हुई है चेक करने के बाद, रीड करने के बाद उसे डिस्पेंस करोगे। लेकिन अगर कंपाउंडिंग का लिखा हुआ है कि आपने बना के देनी एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग के बारे में लिखा हुआ है, देन आप ये फॉलो करोगे, स्टेप्स वे करोगे और वे करने के बाद प्रॉपर तरीके से उसको रेडी करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस इस्तेमाल करते हुए वे करेंगे, फिर उन इंग्रेडिएंट्स को जो भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं सही तरीके से कंपाउंडिंग कर उसे रेडी कर लेंगे, और जो आपके पास प्रोडक्ट हासिल होगी उसे सही तरीके से पैक करोगे, लेबल करोगे, रीचेक करोगे कि सब कुछ सही आपने लिखा है लेबल के ऊपर, सब कुछ सही आपने स्टेप्स किए हैं, उसके बाद उसे फिल कर देंगे किसी भी जार वगैरह के अंदर। पैकिंग के अंदर क्या करना होता है, आफ्टर द कंपाउंडिंग पैकिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी डन। पैकिंग आपने करनी है किसी भी जार के अंदर, बॉटल के अंदर, जिस तरह की मेडिसिन है उसी हिसाब से आप चीज़ लोगे पैकिंग के लिए, उसी तरह की बॉटल लोगे, उसी तरह के जो है बॉटल्स में भी डिफरेंट वैरायटीज़ आती हैं, पैकेजिंग मटेरियल आता है। तो हम ये देखेंगे जिस तरह राउंड वायल्स जो हैं अमूमन राउंड वायल्स जो हैं टैबलेट और कैप्सूल्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि ओवल बॉटल्स जो हैं लिक्विड्स फॉर लो विस्कोसिटी के जो लिक्विड्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। इस तरह वाइड माउथ बॉटल्स जो होती हैं वो पाउडर ऑइंटमेंट एंड लार्ज क्वान्टिटी ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि कलर्ड बॉटल्स फॉर लिनिमेंट्स एंड लोशंस के लिए होती हैं। लाइक आपने कलर देखे होंगे, यहाँ पे भी देखें कलर बोटल दिखाई गई है, तो ये कलर बोटल अमूमन जो लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट होती है उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या ऐसे जिन कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट जिसके और लाइट अगर उस पर उन कंपोनेंट्स पे इंटरिएक्ट कर सकती है या उनकी कंपोजिशन को चेंज कर सकती है, वहाँ पे कलर बोटल इस्तेमाल किया जाता है। क्लेप्सिबल ट्यूब्स मीन ऐसे जो ईजिली प्रेस हो सकें और जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो ईजिली बाहर की तरफ पुश आउट हो जाए, इस तरह की ट्यूब्स लाइक ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स के लिए हम ये ट्यूब्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पेस्ट के लिए भी हम ये ट्यूब्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रॉपर वेयर पेपर्स फॉर ओरल पाउडर्स, हम पेपर अमूमन पेपर के बने हुए कुछ पेपर्स होते हैं वो भी हम ओरल पाउडर के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेपर टेक्सचर्स के बने हुए होती हैं पैकिंग। ड्रॉपर बॉटल्स भी यूज़ की जाती हैं लाइक आई ड्रॉप्स में, एयर ड्रॉप्स में, ड्रॉपर जिनके ऊपर ड्रॉपर लगा होता है, बॉटल के ऊपर ड्रॉपर लगा होता है ताकि आप ड्रॉप्स की सूरत में उस मेडिसिन को ले सकें, उस पर डोज भी इसी तरह लिखी होती है 5 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स 7 ड्रॉप्स, तो उसी हिसाब से ड्रॉपर बॉटल्स इस्तेमाल की जाती हैं। लेबलिंग में अगर हम देखें तो द फाइनल कंटेनर शुड बी सूटेबल लेबल, उसके ऊपर लेबल करेंगे, जब लेबल करेंगे तभी पता चलेगा, याद रहेगा आपको भी और पेशेंट को भी कि प्रोडक्ट क्या कौन सी थी, क्या चीज़ आपने तैयार करके इसमें डाली है, फिर पेशेंट को इन्फॉर्मेशन रहेगी जब वो घर चला जाएगा उसको लेकर, उसमें से पढ़कर वो इजीली जान सकेगा। अगर 2-3 चीज़ें आप एक साथ डिस्पेंस कर रहे हो उसको तो उसे अंदाज़ा रहेगा कि कौन सी चीज़ किस में है, तो लेबल शुड बी आइडेंटिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी के लिए लेबल, द लेबल शुड बी अफेक्ट्स ऑन स्मूथ सर्फेस ऑफ द बॉटल, अपने स्मूथ सर्फेस ऑफ बॉटल के ऊपर से चिपका देना होता है। लेबल इंफॉर्मेशन कौन कौन सी, टाइप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन होती है इसमें, नेम एंड एज एंड सेक्स ऑफ पेशेंट्स लिखा होता है, जो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन के तौर पर हम डिस्पेंस कर रहे होते हैं लेबलिंग कर चीज़ को, डेट ऑफ डिस्पेंसिंग लिखी हुई होती है किस डेट पर आपने डिस्पेंस की थी, या स्टोरेज कंडीशन लिखी होती है अगर कोई टेम्परेचर कंडीशन लाइक अगर कूल टेम्परेचर पर लिखना है रखना है किसी प्रोडक्ट को तो वो भी मैंशन होता है इसके ऊपर, अगर आपने हीट या लाइट से बचाना है देन वो भी मेंशन कर देते हैं। नेम और एड्रेस ऑफ फार्मेसी भी लिखा हुआ होता है इसके अलावा साथ साथ, इन काज ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन अटैच एक्सिलरी लेबल, लिक्विड प्रिपरेशन है वन एक्सिलरी लेबल अटैच होता है जिसमें लिखा होता है शेक बिफोर यूज़, शेक वेल बिफोर यूज़ लिक्विड प्रिपरेशन है या सस्पेंशन है, इस तरह की चीज़ जिसको इस्तेमाल से पहले हिलाने की ज़रूरत होती है ताकि वो इक्वली उसका जो मेडिकामेंट है वो तमाम लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो जाए या तमाम सस्पेंड हो जाए, तो उसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़ का लेबल आप लगा सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाजमी मैंशन करनी है, ओरल लेनी है, एक्सटर्नल रूट के थ्रू लेना है या जो भी रूट इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करनी है मेडिसिन। द प्रिस्क्रिप्शन विच आर टू बी एक्सटर्नली मस्ट बी अटैच्ड विद सेकेंडरी लेबल फॉर एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल यूज़ की प्रिपरेशन है उनके ऊपर आप लिखें कि ये एक्सटर्नल यूज़ की हैं, जो ओरल यूज़ की हैं उसके ऊपर आप लिखो कि ये ओरल यूज़ की हैं ताकि पेशेंट को याद रहे
फिर टाइप्स ऑफ लेबल्स देखिए यहाँ पे, मैन्युफैक्चरर लेबल जो कि मैन्युफैक्चरर रेडी टू यूज़ मेडिसिन में बन के आते हैं वो दिखाए गए हैं यहाँ पर। ये देखिए ये वूमन टैबलेट्स की या कैप्सूल्स की बोतल के ऊपर जो पहले से ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना के देती हैं। जबकि अगर आपने कोई चीज़ एक्स्ट्रापोरेंसली बनाई है फार्मेसी में डिस्पेंसरी में तो आप डिस्पेंसिंग लेबल भी बनाते हो या आप खुद बनाते हो और वहाँ पर लगा देते हो, उसके अंदर वूमन फार्मेसी का एड्रेस भी डालते हैं। देखिए फार्मेसी का एड्रेस भी लिखा हुआ है इसमें, फार्मेसी का नाम भी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर वगैरह, प्रिस्क्रिप्शन नंबर लिखा हुआ है, पेशेंट नेम, प्रिस्क्रिप्शन नेम, पूरी डिटेल फिर उसके अंदर लिखी होती है कि क्या चीज़ है, किस रूट के थ्रू देनी है, एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ इस पे मेंशन होता है डिस्पेंसिंग लेबल पे। इसी तरह यही सब कुछ अमून मैन्युफैक्चरर का नेम, प्रोडक्ट का नाम और एक्टिव इंग्रेडिएंट का नाम उसके अंदर और एक्सपायरी डेट, प्राइस, ये सब कुछ मैन्युफैक्चरर लेबल पर भी मौजूद होती है। देखिए यहाँ पर भी फार्मेसी लेबल दिखाया गया है, ये देखिए ये फार्मेसी लेबल डिस्पेंसिंग लेबल है जो कि फार्मेसी की इंफॉर्मेशन दी गई है। देखें सबसे पहले ऊपर एड्रेस, नेम ऑफ द फार्मेसी, हाउ एंड व्हेन यू टेक द मेडिसिन, नेम ऑफ द मेडिसिन, नंबर ऑफ द रिफिल इज अलाउड, नंबर ऑफ पिल्स इन अ बॉटल लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ मेडिसिन ऑफ ईच पिल लिखा हुआ है, नेम एंड एड्रेस, पेशेंट का नेम एंड एड्रेस जो भी है वो लिखा हुआ है। तो इस तरह डिफरेंट लेबल्स जो हैं अरेंज होते हैं। रीचेकिंग, इच प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिचेक्ट आफ्टर लेबलिंग कंटेनर शुड बी थारोली पॉलिश एंड रिमूव द फिंगर प्रिंट्स। अच्छी तरह आप चेक कर लो कि जो लेबल है सही तरह चिपक गया है, सही लिखा है आपने, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने लगा के दे दिया लेकिन वो पेशेंट को डिस्पेंसिंग फ़ौरन बाद ही वो लेबल ख़राब हो गया या उतर गया तो पेशेंट घर जाके परेशानी का शिकार हो जाएगा कि इसमें क्या इंस्ट्रक्शन थी, क्या चीज़ है ये। तो प्रॉपरली आप चेक कर लें हर चीज़ को। फिर फिलिंग एंड रिकॉर्ड, अ वैरायटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फील्स आर अवेलेबल विच सर्व टू मेंटेन एंड प्रिजर्व ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन इन न्यूमेरिकली ऑर्डर। ओके, अ वैरायटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फाइल्स जो हैं मौजूद होती हैं, अवेलेबल होती हैं, उसके ऊपर आप अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। कुछ प्रिस्क्रिप्शन ऐसी होती हैं जिनको रीफिल करना होता है कुछ अर्से के बाद, तो वहाँ पर भी आप अपना रिकॉर्ड रखते हो, रजिस्टर के अंदर लिखते हो, रिकॉर्डिंग और बहुत ज़रूरी है। फिर प्राइसिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी प्राइस इमीजिएटली आफ्टर रिसीविंग इट एंड इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट इट, शुड बी डन बिफोर स्टार्टिंग द कंपाउंडिंग टू अवॉइड द डिस्क्रिप्शन। प्राइसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के अंदर यह है कि आप जैसे ही ये रेडी कर लेंगे डिस्पेंसिंग के लिए चीज़, फ़ौरन से ही इसको रिसीव करेंगे और इन्फॉर्म कर देंगे पेशेंट को इसके बारे में, ताकि जब तक आप डिस्पेंसिंग का अमल मुकम्मल करें तो वो अपने प्राइसिंग वाला जो है उसको पूरा कर ले क्राइटेरिया को। इससे क्या होगा, टाइम भी सेव रहेगा और आप परेशानी से भी बच जाएंगे। फिर डिलीवरिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, जब ये सब कुछ हो चुके, आप रेडी कर चुके हैं अपनी प्रोडक्ट को, उस पर लेबल भी कर चुके हैं, रीचेक भी कर चुके हैं, रिकॉर्ड भी हो गया है एंड प्राइसिंग भी हो गई है, ठीक है, फिर डिलीवरी का टाइम आ जाता है, आप उसे हैंड ओवर कर दें प्रिस्क्रिप्शन से रिलेट डिलीवरिंग द पेशेंट, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेडिसिन जो आपने डिस्पेंस की उसे डिलीवर कर सकते हैं, दे सकते हैं पेशेंट को। लेकिन डिलीवरी के 3 टाइप्स होते हैं, मूमन स्टोर डिलीवरी, फार्मेसी स्टोर टू कस्टमर, कस्टमर फार्मेसी पे आता है, हॉस्पिटल फार्मेसी हो या कम्युनिटी फार्मेसी हो, आता है हॉस्पिटल फार्मेसी कम्युनिटी फार्मेसी में पेशेंट और तमाम प्रोसीजर के बाद वो आप उसको जो ऊपर हैंडलिंग वाला पूरा प्रोसीजर मैंने बताया है उसके बाद आप उसको डिलीवर कर देते हो, दे देते हो कस्टमर को मेडिसिन। तो ये फार्मेसी स्टोर टू कस्टमर डिलीवरी, ये स्टोर डिलीवरी कहलाती है। जबकि होम डिलीवरी भी है, आजकल होम डिलीवरी बहुत ज़्यादा रिवाज है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अमूमन होम डिलीवरी और ज़्यादा जो है मोस्ट फेमस हो गई है और इजी भी है कि आप घर बैठे भी मेडिसिन मंगवा सकते हैं। अमूमन फार्मेसीज ऑफर्ड होम डिलीवरी, फार्मेसी वाले ऑफ़र करते हैं कि हम आप हमें फ़ोन करें या ईमेल करें, आप हमें ऑनलाइन सर्विस के थ्रू हम आपको आपके घर पे ही मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। आप अपने प्रिस्क्रिप्शन को व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू जो हैं ऑनलाइन उन तक पहुंचाते हैं और वो आप उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से तमाम चीज़ें अरेंज कर आपको आपके घर में डिलीवर कर देते हैं। तो ये होम डिलीवरी है। मेल डिलीवरी, मेडिसिन इज़ डिलीवर्ड थ्रू मेल, मेल के थ्रू भी डिलीवर होती है, अमून पोस्ट के थ्रू जो डिलीवरी आती है। ये तो एक तो ये ना फार्मेसी पे आपके इलाके में ही कम्युनिटी फार्मेसी है या फार्मेसी जो डिलीवर कर रही है वो उनका एक जो है पर्सन आएगा और आपको
डिलीवर करके चला जाएगा होम के होम पर। लेकिन बाय पोस्ट में यह है कि आप किसी दूसरे सिटी से मंगवा रहे हो, मेडिसन आपके इलाके में मौजूद नहीं है तो आप किसी दूसरे सिटी से मंगवा रहे हैं, देन वो बाय पोस्ट मेडिसन भेजते हैं आपके घर, तो इसे मेल डिलीवरी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की आजकल डिलीवरीज जो हैं मेडिसन की या डिलीवरिंग द प्रिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मौजूद हैं। जो भी मेथड पेशेंट को इजी लगे वो इसके तहत इसको यूज़ करते हुए मेडिसन ले सकता है। तो ये था प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डिस्पेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फार्मासिस्ट के जॉब कंसिस्टेंसी के हिसाब से भी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे याद कीजिएगा, लेक्चर नोटबुक पे लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा।